प्रदेश के जबलपुर में त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक संपन्न। परंपरागत आयोजनों के अलावा नहीं होंगे अनेक कोई कार्यक्रम। सदस्यों ने एक सर्वसम्मति से लिया निर्णय। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज दिनांक 9/7/2022 को शाम संपन्न हुई शांति समिति की बैठक में ईद उल अजहा, गुरु पूर्णिमा और श्रावण सोमवार जैसे त्योहारों के मद्देनजर शहर में साफ सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल एवं प्रकाश के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के सुझाव सदस्यों ने प्रशासन को दिए। शांति समिति की ये बैठक इन त्योहारों पर व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में शांति समिति के सभी सदस्यों ने त्योहारों पर केवल परंपरागत जुलूस एवं कार्यक्रम के आयोजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। सदस्यों ने कहा कि परंपरागत जुलूस या कार्यक्रमों के अलावा कोई भी नए कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए। कलेक्टर व एलआईआर राजौत एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुड़ा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने शहर की गंगा जमुनी तहजीब के अनुरूप सभी नागरिकों से इन त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाने की अपील की। बैठक में विधायक विनय सक्सेना आदि कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में 10 जुलाई को ईद उल अजहा एवं 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा तथा सावन सोमवार पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी गई। सदस्यों द्वारा इन त्योहारों पर धार्मिक स्थलों एवं ईदगाहों के आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही पेयजल के अतिरिक्त आपूर्ति तथा विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। विधायक विनय सक्सेना ने बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए फ्लाईओवर के निर्माण के कारण नागरिकों को आवागमन में हो रही परेशानियों को त्योहारों के मद्देनजर तत्काल दूर करने की बात कही। उन्होंने ईद उल अजहा के त्योहारों को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल की कमी न हो इस ओर ध्यान देने की जरूरत भी बताई। सक्सेना ने त्योहारों के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने पर जोर दिया। आज जिला कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें कि शहर के समस्त गणमान्यगण और सभी धर्म जाति समुदाय के का प्रतिनिधित्व था। और जुलाई माह में आयोजित अपने में होने वाले अपने बकरीद जो 10 तारीख को है, उसके उपरांत 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा और उसके उपरांत फिर सावन सोमवार को कांवड़ यात्राएँ जो होंगी, इस संबंध में चर्चा की गई। इसमें नगर निगम MPB के अधिकारी भी उपस्थित थे, रेवेन्यू के अधिकारी थे। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और आशा है बहुत अच्छे से जो त्यौहार जो है संपादित करेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी इसमें? चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और पेट्रोलिंग मोबाइल और वो रहेंगे। मेरा बस एक निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपत्तिजनक मैसेज या ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि दूसरे धर्म जाति या समुदाय पे कुछ उसका गलत असर पड़े, और उस पर अगर ऐसा कोई करता है असामाजिक तत्व तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज शांति समिति की बैठक हुई है हमारी, है ना 10 तारीख को है ना ईद का त्यौहार है, हमारी 13 तारीख को है ना गुरु पूर्णिमा है, 14 तारीख को है ना सावन सोमवार का भी है ना शुरू हो रही है, उसके लेकर है ना आज सभी गणमान्य नागरिक के साथ है ना बैठक हुई है। एक बेसिक व्यवस्था है पानी का, सफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस मतलब है ना उनकी त्यौहार स्थल के आसपास के ना और व्यवस्था के लेकर है ना एक डिटेल चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने मतलब सिटी का और भी समस्याएं अवगत कराए हैं, हम लोग ने आश्वस्त किया है कि मतलब ये सारे चीज़ें हम लोग करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन है ना हमारा भी है ना एक रिस्पॉन्सिबल वे में त्यौहार कैसे मनाना है उसके लेकर भी है ना डिस्कशन हुआ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करना है उसके लेकर भी डिस्कशन हुआ है। जबलपुर में रिसेंटली लगातार हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे है ना सभी लोग है ना मिलजुल करके बिना है ना इशू का है ना त्यौहार मनाते हैं। अपेक्षा है इस बार भी है ना सभी लोग है ना शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से है ना त्यौहार मनाएं। नहीं है सेम मूलभूत सुविधा समस्या है, मतलब कितने भी हम लोग ने एक एक ना इश्यूज है ना नोट किए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर ना बिजली पानी और सफाई की ना व्यवस्था कितने भी है, वो और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं उसका कोशिश करेंगे।